मोबाइल सराफा बाजार, आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, मोबाइल एवं एलईडी टीवी फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। सागर जिले के जैसी नगर के पास अगरिया में बीते शुक्रवार को जैसी नगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक की स्कॉर्पियो गाड़ी से मृत हुए युवकों के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस ने जैसी नगर बाजार में धरना प्रदर्शन किया। जिला ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र सुहानी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के लिए कलेक्टर के नाम जैसी नगर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। सुरेंद्र सुहाने ने बताया कि जल्द से जल्द मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग की गई है। अगर प्रशासन द्वारा मुआवजे में देरी की गई तो कांग्रेस जरूरत पड़ने पर सागर स्थित कलेक्ट्रेट भवन का घेराव करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा गरीब मजदूरों के साथ, पीड़ित व्यक्तियों के साथ खड़ी रहती है, उसी प्रकार परंपरागत तरीके से कांग्रेस इनके पक्ष में खड़ी रहकर और सड़क पर जो भी आवश्यकता पड़े उस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे अल्टीमेटम दिया है 8 दिन का टीआई को हटाने का, तो क्या और मांग रहेगी कांग्रेस की? मुख्य मांग तो यही है कि जो 3 बच्चे खड़े हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बुजुर्ग उनके ग्रैंडफादर है, मतलब पीड़ित व्यक्ति जो मर गया उसके पिता बहुत बुजुर्ग हैं, उनको 20-20 लाख रुपया की मदद दी जाए और जो अस्पताल में भर्ती है उसको निशुल्क चिकित्सा और 10 लाख रुपया उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। कांग्रेस क्या अगर इन पीड़ितों के इलाज और इनको अगर सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तो जिला कांग्रेस कमेटी सागर में इनके खिलाफ प्रशासन को आगाह करेगी। जरूरत पड़ी तो जिला कलेक्ट्रेट या पुलिस कार्यालय को घेरा जाएगा, वहां धरना भी दिया जाएगा और यदि इसके बाद भी नहीं निपटी तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी साहब और प्रदेश नेतृत्व से निवेदन किया जाएगा कि न केवल विधानसभा बल्कि राज्यसभा में भी इस SC ST के खिलाफ, छोटी जाति के खिलाफ जो नाजायज तरीके से लापरवाही करके कार्रवाई नहीं की गई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। क्या प्रशासन ने इस मामले को अभी समस्त ग्रामवासियों द्वारा और गांव वालों के द्वारा जो ये घटना होगी उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है, तो ये ज्ञापन मेरे द्वारा SDM साहब के थ्रू प्रशासन को भेजा जाएगा और वहाँ से जो निर्णय होगा। जिस तरीके से जिन्हें जांच करना वो ही इस मामले में इन्वॉल्व है, पुलिस चूंकि पुलिस ही जांच करेगी, तो क्या मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए आप लिखेंगे अपने अधिकारी? हाँ, SDM साहब से व्यक्तिगत बात करूंगा और जो ज्ञापन दिया, जो मांगे हैं वो भी भेजेंगे। जैसी नगर से ब्रजेंद्र अग्रवाल, सागर टीवी न्यूज। रोहित मोबाइल सराफा बाजार, आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, मोबाइल एवं LED टीवी फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। होम डिलीवरी सुविधा रोहित मोबाइल बड़ा बाजार, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, MI, रियलमी, सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला एवं रियलमी, MI, सैमसंग, TCL कंपनी की LED टीवी, मोबाइल चार्जर, एयरफोन, टच गार्ड ग्लास, बैक कवर, ब्लूटूथ, साउंड, होम थिएटर, चार्जर, बैटरी, मोबाइल संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान वो भी एक ही जगह पर। रोहित मोबाइल रामप्याऊ के पास सराफा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9009205959, 8818815881।